हेलो नमस्कार, मैं सरिता दिल्ली से। आज बहुत दिन हो गए हैं यहाँ सबको, हमने अपने टेरेस गार्डन का ओवरव्यू नहीं दिया है और ना ही ये जो हमारा यहाँ का जो गार्डन है जिसमें मैंने प्लांट्स लगाए हैं इसके बारे में भी नहीं बात की। गर्मी इतनी हो रही है दिल्ली में कि पूछिए मत मैं तो कहती हूँ पूछिए पूछिए। दरअसल 39 डिग्री सेल्सियस अगर गर्मी यहाँ दिल्ली में अभी भी पड़ रही है तो कितनी मुश्किल की बात है, लेकिन हमें इसी में सारा कुछ करना है और इस गर्मी से जाते हुए गर्मी में बहुत सारे देखभाल करने की जरूरत होती है अपने प्लांट्स को। तो चलिए मैं आपको टेरेस गार्डन का एक छोटा सा व्यू दे देती हूँ और यहाँ का भी गार्डन का मैं व्यू देने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ जेड प्लांट के बॉन्साई वगैरह बना के रखे हैं तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। उससे पहले आप सबसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज अगर आप सब मेरे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे भाग दौड़ के बीच में बहुत मेहनत करके इस गार्डन को मैं बनाए रखने की कोशिश करती हूँ। और आपको पता है कि मैं कहीं जॉब करती हूँ और मुझे हर रोज सुबह 8 बजे इन दिनों निकलना पड़ रहा है और ट्रैफिक बहुत ज्यादा है सड़क पे। तो बहुत दिनों से हमारे सभी साथियों ने ये कहा कि भाई आपने ओवरव्यू नहीं दिया है या गार्डनिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपने नहीं डाला है सरिता जी, तो प्लीज डाल दीजिए। तो मैंने कहा कि आज आपको यहाँ का इंडोर जो हमारा है, ये डाइनिंग एरिया है हमारा, यहाँ के गार्डन के का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ आपको। ये देखिए कुछ काम भी साथ साथ में चल रहा था, मैंने आपको कहा था कि कुछ पेंटिंग वगैरह भी मैं करवा रही हूँ, उसमें भी मेरा वक्त बहुत ज्यादा लग जा रहा है। ये देखिए प्लांट्स जो यहाँ के हैं, मैक्सिमम तो मैंने मनी प्लांट ही यहाँ लगाए हैं, तो एज इट इज जो मनी प्लांट्स जहाँ पे हैं वो सारे प्लांट्स हैं उसी तरह से चल रहे हैं। और कुछ और नए प्लांट्स जो मैंने लगाए हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए वो वही मनी प्लांट है जो मैं पिछली बार लेके आई थी। और यहाँ पे सराउंडिंग में मुझे हमेशा से इस बात का शौक था कि एक बड़े पिलर पे मैं लगा के रखूंगी, तो ये देखिए कि ये प्लांट बहुत ही अच्छे से ये वाला मनी प्लांट चल रहा है हमारा। इसी के साथ मैं आपको दिखाती हूँ ये जेड प्लांट्स के बहुत सारे बॉन्साई बना बना के मैंने रखे हैं। ये देखिए सेंसिवेरिया जो मैंने पिछले दिनों इसका वीडियो बनाया था, लगा के दिखाया था, अभी बहुत अच्छे से चल रहा है। यहाँ भी ये छोटे वाले स्मॉल वाला मनी प्लांट लगा हुआ है, ये एक बहुत पुराना है मेरा, 1 साल पुराना है, अभी इसकी भी थोड़ी थोड़ी कटिंग करनी है, बहुत ही पुराना। ये एक बॉन्साई मैंने बनाया था नया, और इसमें देखिए कि ये पैड्स बनाने हैं मुझे इन सारी जगहों पे, तो मैंने ये रखा हुआ है। एक ये भी मैंने ये जेड के लिए ये बॉन्साई बनाया है, देखिए इसमें भी पैड बनाने के लिए मैंने ये कट करके रखा है और पूरे क्लीन किया है इसको, छोटी छोटी और पत्तियां आ रही हैं इसे क्लीन कर देंगे। यहाँ पे एक छोटा सा हट रखा हुआ है। ये देखिए मैंने रॉक पे इस जेड प्लांट को लगाने की कोशिश की है और ये लग गया है बहुत ही खूबसूरत से। बगल में एक रॉक रखा है, इसे और मैं थोड़ा सा और डेवलप करूंगी और इसे और खूबसूरत बनाने की कोशिश करूंगी। ये छोटा है, ये भाटिया साहब ने बहुत पहले लगाया था इसमें, और इस तरह से यहाँ जेड प्लांट बहुत है। आपको जेड प्लांट के साथ एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है, आपको मैंने वो दिखाया था ना, अपना पिकॉक बनाया है, डक बनाया है ऊपर। इस तरह से देखिए ये मेरे पास एक ये पॉट खाली था बुद्धा का, तो इसमें मैंने इस तरीके से लगाया है, जो अगर ऊंचाई पर रखिए देखिए इस तरीके से देख रहे, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखिए आपको क्लोजअप और मैं दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से ये बिल्कुल चोटी की तरह पीछे को ये जा रहा है, अगर किसी ऊंचाई पे हम रखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत ये लगेगा। इस तरीके से यहाँ पे जो मेरे प्लांट्स है, ये देखिए अभी ये भी हमारा कुछ मनी प्लांट की और कटिंग लगाई थी मैंने, और इधर भी बहुत सारे प्लांट्स ही मैंने लगाए हैं, एरो हेड के छोटे छोटे लगाए हैं जो जिन्हें के ले आकर के वर्टिकल गार्डन में मुझे टांगना है। इस तरफ नए इसमें मैंने टर्टल वाइन लगा दिया था, हालांकि कुछ जो प्लांट्स हैं उनके डोरमेंसी के पीरियड आ रहे हैं और धीरे धीरे वो जो है डोरमेंसी में चले जाएंगे, और तो इन्हें भेजना या करना, क्योंकि बहुत सारे लोग ने लिखा है कि मुझे प्लांट्स भेज दीजिए, मुझे ये प्लांट चाहिए ये, तो कुछ प्लांट्स जो अभी गर्मियों के थे अब तो डोरमेंसी में चले जाएंगे। अगर हम आपको भेजते भी हैं तो
उसमें थोड़ी मुश्किलें होंगी और मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल है। और यहाँ पे ये देखिए, इस पे फेलोडेंड्रोन में अच्छे अच्छे पत्ते नए नए आ रहे हैं और इस वाले में भी देखिए कि नई एक खूबसूरत सी पत्ती इसमें आ रही है। तो अच्छे से ग्रोथ में है, बहुत सारे प्लांट्स जो हैं अपनी ग्रोथ में हैं। और कुछ और प्लांट्स हैं जिसमें कि नए नए निकालने के लिए, कैक्टस था हमारा, देखिए कि इस साइड से निकल गया है और इसमें देखिए कि पानी बहुत कम डाला गया है। ये थोड़ा सा नीचे से ख़राब हो रहा है, इसे मुझे ठीक करना है। बाकी और मल्टीप्लाई मैंने किया था कैक्टस को, वो सारे मैंने छोटे 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 कैक्टस को निकाल करके जो बेबी थे उसको मैंने अलग अलग लगा दिया है। यहाँ एक खाली सा ये पड़ा हुआ था हमारा, तो इसमें मैंने मल्टीपल जो भी पत्ते मिले सारे मैंने इसमें लगा दिए। तो सारी चीज़ें इसमें देखिए कि एक लेपर्ड लिली का भी प्लांट इसमें सेंटर में, ये तो मैंने सेंटर में लगाया था, इसके सराउंडिंग में मैंने ये पर्पल हार्ट लगाया था, तो उसके बीच में कुछ पत्तियाँ ये मिली मुझे टर्टल वाइन की, तो वो भी डाल दी। तो बहुत सारे प्लांट्स इसके अंदर आ गए हैं और ये सारे प्लांट्स जो है इंडोर में मैंने आपको बताया है, तो ये लगे हुए हैं, ये प्लांट्स मनी प्लांट के लगे हुए हैं, यहाँ भी फ्रिज के ऊपर भी रखा हुआ है। और एक इसमें सेंसेरिया का प्लांट लगा के रखा है जो बहुत ही मुझे देखने में खूबसूरत सा लगता है। यहाँ ड्राइंग रूम के एंट्री पे ये रखा हुआ है हमारा मनी प्लांट का, जो बड़े पत्तों वाला खरीदा था। इसे काफ़ी धूल धूल हो रही है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ यहाँ पे रेजिन का काम हो रहा था, तो जिसके वजह से बहुत ज़्यादा। और ये देखिए ये प्लांट जो है मॉन्स्टेरा के प्लांट अलग अलग वेराइटी के अलग अलग शेप के पत्तों के होते हैं, तो एक यहाँ ये कॉर्नर में मैंने रखा है और दूसरा और एक प्लांट है मेरे पास जो मॉन्स्टेरा का, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी छोटी पत्तियों वाला ही है, वो यहाँ पे स्टेयरकेसेस पे मैंने रखा हुआ है, ये ऊपर जाते हुए यहाँ पे। इसमें भी काफ़ी अच्छी अच्छी पत्तियाँ निकल रही हैं, देखिए नई नई पत्तियाँ इसमें निकल रही हैं। एक दो पत्तियों में कुछ ऐसा लग रहा है कि फंगस लग रहा है, तो उसे मैं कट करके हटा दूंगी। और ये सेंसेवेरिया का प्लांट है जिसको मैंने डेमो दिया था, और यहाँ एक खाली सा पॉट मैंने रखा हुआ है, और ये सेंसेवेरिया का प्लांट भी मेरा लग गया है। इसके अलावा यहाँ पे एरो हेड लगा के रखा हुआ है मैंने, जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। अभी कुछ कुछ जो भी मैंने ये लिए थे एक्सेसरीज जो गार्डन के लिए, तो वो अभी फिलहाल तो यही रखे हुए हैं, यहाँ पे ही अच्छा है क्योंकि गर्मी तो कम होने का नाम नहीं ले रही है। अभी सोचिए कि सितंबर के मिड में इतनी ज़्यादा गर्मी होगी तो प्लांट्स का क्या हाल होगा, बिल्कुल वो गर्मी वाले हालत ही हो रहे हैं, 40-40 तक डिग्री सेल्सियस तक गर्मी जा रही है, तो इसमें तो मुश्किल बहुत ही हो रही है। तो प्लांट्स में एज यूजुअल जैसे सर्दियों में गर्मियों में हम पानी डालते थे दो बार, वैसे ही अभी भी दो बार पानी डालने की ज़रूरत होती है, क्योंकि शाम होते होते जो इसकी पत्तियाँ हैं और ऐसे झुक जाते हैं, ऐसे उदास से हो जाते हैं। तो अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सर्दियां आएंगी और कब थोड़ा मौसम बदले, तो थोड़ा और जो सर्दियों के प्लांट्स है वो लगाएंगे, तो उसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल आपको बस आज इतना नीचे के ही गार्डन का आपको मैंने व्यू दिया, टेरेस गार्डन के लिए अभी जाएंगे और फिर अगले वीडियो में कुछ टेरेस गार्डन का व्यू आपको दिखाने के लिए लेकर के आती हूँ। तो अब मैं चलती हूँ, आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने बागीचे का ख्याल रखिए और SMS यानी कि सैनिटाइज करिए और मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए। तो ये SMS को मेंटेन करते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।